द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा सिक्स और सेवन्थ को संस्कृत में मैं अव्यय के बारे में बता रहा हूँ। अव्यय के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको अव्यय के एक एक अव्ययों के अर्थ लिख करके बता दिया, मतलब समझा दिया। आज उन अव्ययों का हम प्रयोग कैसे करते हैं, हमसे पेपर में पूछे कैसे जाते हैं, तो ध्यान रखिए कि सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से अव्यय शब्द हटा दिया जाएगा और आपको विकल्प में दो या चार अव्यय दिए जाएंगे, उनमें से छाट करके आपको सही अव्यय कैसे सटीक बैठता है उस अव्यय को हमें लिखना होता है। पहली बात अव्यय के बारे में बताया था कि अव्यय होते क्या है, तो वो शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप का त्याग नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। यानी हर जगह एक ही स्वरूप में लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम कृष्ण पठन, यानी राम कृष्ण पढ़ते हैं तो क्या होता है, पूरा हिंदी अर्थ देखें तो राम और कृष्ण पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे दो अव्यय दिया है, च और किम, तो अपना हिंदी अर्थ निकल रहा है और क्या निकल रहा है, हिंदी अर्थ और बीच में गायब हो रहा है। तो और के लिए कौन से अव्यय का प्रयोग किया जाता है ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो और के लिए किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, च का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, च, तो बनेगा राम कृष्ण च पठता, यानी राम और कृष्ण पढ़ते हैं। राम कृष्ण च पठता, यानी राम और कृष्ण पढ़ते हैं, पहला हो गया। दूसरा तुम करो से कहा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, आपसे कभी पूछा जाता है तो वाक्य ही बनता है तुम करोशी। इसका हिंदी अर्थ पूरा का मैं बताऊं तो हिंदी अर्थ होता है तुम क्या कर रहे हो। तो क्या के लिए क्या आता है अव्यय, किम आता है, कौन से अव्यय आता है, किम। क्या के लिए कौन से अव्यय का संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, किम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, किम, और वाक्य बनेगा तुम किम करोशी, यानी तुम क्या कर रहे हो, तुम किम करोशी, यानी तुम क्या कर रहे हो। ध्यान से देखना, पहला हुआ राम कृष्ण च पठता, यानी राम और कृष्ण पढ़ रहे। दूसरा तुम किम करो उसे, अपने पास दो दो विकल्प दिया हुआ, उसमें से एक सही है और एक गलत है, सही को हमें यहाँ पे भरना है। अगला है बालका क्रीडन्ति, अब यहाँ पे दिया हुआ अत्र और च, अत्र का मतलब होता है यहां, तत्र का मतलब, च का मतलब होता है और, तो यहां आ जाएगा अत्र, क्या आ जाएगा अत्र, यहां बालक खेलते हैं, ठीक है, यहां पे क्या जाएगा अत्र। अब ये जना हसंती, तत्र दिया है और अत्र दिया है, तो देखें तो यहां क्या जाएगा, तत्र वहां लोग हंसते हैं, जना हसंती यानी लोग हंसते हैं। भवान पठसि, भवान कया और कुत्र, वाक्य देखे तो बनेगा भवान पढ़सी यानी भवान कुत्र पढ़सी, वाक्य बनता है भवान कुत्र पढ़सी यानी आप, भवान का मतलब आप, कुत्र यानी कहाँ, पुत्र यानी कहाँ, कुत्र यानी कहाँ, भवान कुत्र पठते यानी पढ़ते हो यानी आप कहाँ पढ़ते हो, ये अपना वाक्य बनता है। सह वस्त यानी वह अवस्था है, अन्यत्र यानी कहीं और, किम यानी क्या, तो यहाँ पे कौन सा बेटर है, सह वस्त, एक है अन्यत्र और एक है किम, यानी क्या, अन्यत्र यानी कहीं और, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अन्यत्र, क्या जाएगा, अन्यत्र। शह अन्यत्र वस्ति यानी वह कहीं और या दूसरे स्थान पे रहता है या निवास करता है या वसा हुआ है। तत्र गोपाल पठती, तत्र गोपाल पठती, कुत्र यानी कहाँ, अपि यानी भी, तो यहाँ क्या जाएगा, अपि, तत्र गोपाल अपि पठती यानी वहां गोपाल भी पढ़ता है, अपि का मतलब क्या होता है, भी, अपि का मतलब क्या होता है, भी, यानी वहां गोपाल भी पढ़ता है। सोमवासर अस्ति, अब जैसे कहा जाता है कि आज सोमवार है, तो आज शब्द के लिए क्या होता है, अद, अद सोमवासर अस्ति, क्या है, अद सोमवासर अस्ति। तो एक बात ध्यान रखें, अव्ययों का प्रयोग करते समय जब कभी भी हम अव्यय शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि उस अव्यय का अर्थ क्या निकलता है और उस पूरे वाक्य का अर्थ क्या निकलता है। यदि हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे तो हम अव्यय गलत भरेंगे। जैसे दोबारा बता रहा हूं, पहले अव्ययों का अर्थ बताता हूं, च का मतलब क्या होता है और, किम का मतलब होता है क्या, अथवा का मतलब अथवा, किम का मतलब क्या, अत्र का मतलब यहाँ, च का मतलब और, तत्र यानी वहां, अत्र यानी यहाँ, कया यानी क्या, कुत्र यानी कहाँ, अन्यत्र यानी किसी और जगह, किम यानी क्या, कुत्र यानी कहाँ, अप यानी भी, अद यानी आज, अप यानी भी,
इन अव्ययों का अर्थ आना चाहिए, उसके बाद हम सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंसों के हिंदी अर्थ सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे राम कृष्ण च पठतः, अव्यय लगाने के बाद च, यदि नहीं आता है अव्यय तो राम कृष्ण पठतः, यानी राम और कृष्ण पढ़ते हैं, हिंदी अर्थ ऐसे निकलता है कि राम और कृष्ण पढ़ते हैं। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जब हिंदी में और आ रहा है तो संस्कृत में और के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे भरना होगा। तुम करो से, यानी तुम क्या कर रहे हो, इसका पूरा हिंदी अर्थ निकलता है। तो क्या के लिए संस्कृत में क्या आता है वो शब्द उठा करके आपको भरना है। बालका क्रीडन्ति, यानी यहाँ बालक खेलते हैं, यहाँ के लिए जो शब्द आता है वो हमने यहाँ पर दिया। जना हंसन्ति, यानी वहां लोग हंसते हैं, वहां के लिए जो शब्द है वो यहाँ पर दिए। भवान पढ़ते, यानी आप कहाँ पढ़ते हो, कहाँ के लिए कुत्र आता है, तो हम यहाँ से कुत्र उठा करके भर दिए। सह बसते, यानी वह कहीं और बसता है, अन्यत्र आता है और के लिए। तत्र गोपाल पढ़ते, यानी वहाँ गोपाल भी पढ़ता है, भी के लिए अपि आता है। सोमवासर आस्ते, यानी आज सोमवार है, आज के लिए आता है। इस प्रकार के एक एक बातों को समझ करके ध्यानपूर्वक आपको अव्ययों को भरने का प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में कराएंगे। आज के लिए धन्यवाद।